नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो है जो मुझे लगे कि ये डिफरेंस होना चाहिए वो मैंने नोट डाउन किए हैं। हम समझ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे ब्लो डाउन होता है और क्या होता है, ये सबको हमने सीखा और समझने का प्रयास किया। यदि आप चाहते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस की लिंक हम इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से देख सकते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो पहला डिफरेंस है वो है सिंपल इन डिजाइन। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रहते हैं वो डिजाइन में सिंपल होते हैं, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डिजाइन में, क्योंकि उनमें फीडबैक का यूज किया जाता है, इस कारण से ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सेकंड है इजी टू मेंटेनेंस, जो डिजाइन कॉम्प्लिकेट नहीं होती है, सिंपल होती है, इस कारण को मेंटेनेंस करना भी इजी है, जबकि ये इनमें डिफिकल्टी होती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है इनको मेंटेनेंस करने में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज चीप, जो कि इसमें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं होता, फीडबैक यूज किया था, कम इंस्ट्रूमेंट रहते, इस कारण से चीप होते हैं, जबकि ये कॉस्टली होंगे, थर्ड आपका डिफरेंस होता है। फोर्थ आपको होगा इट इज स्लो, ठीक है, इट इज फास्ट, ऑटोमेटिक है, फास्ट काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है स्मॉल बैंडविड्थ इसके अंदर होती है, इनमें लार्ज बैंडविड्थ होती है, रिलायबल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट इसका इट इज अनरिलायबल और ये रिलायबल होते हैं, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इनएक्यूरेट होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और ये जो है वो एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट आपको देते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। जनरली स्टेबल होते हैं, जो आउटपुट है वो मिलता रहता है, चेंज नहीं कर सकते, ये अनस्टेबल होते हैं, हमारे हिसाब से हम इनका आउटपुट कम ज्यादा करते रहते हैं, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फीडबैक एलिमेंट इज अपसेट, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का यूज नहीं किया जाता, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट का यूज किया जाता है, यानी कि फीडबैक एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एरर, एन एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर डिटेक्टर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फीडबैक यूज नहीं कर रहे हैं तो एरर डिटेक्टर की मुझे जरूरत नहीं लगती, वहां पे ऑप्शन नहीं रहता, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एन एरर डिटेक्टर इज प्रेजेंट, यानी कि एरर डिटेक्टर जो रहता है जो आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस क्रिएट करता है बताता है वह एरर डिटेक्टर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं लेके एग्जांपल्स, तो लाइट स्विच जो एक बेस्ट ऑप्शंस है, बेस्ट एग्जांपल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, टी मेकर इसका हो सकता है एग्जांपल। नेक्स्ट इसका जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका एग्जांपल जो है वो है वोल्टेज स्टेबलाइजर, एयर कंडीशनर या फिर वाटर लेवल कंट्रोलर, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों डिफरेंस, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस का जो हमने किया डिफरेंस ये टेबल बनाई है आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे और आप इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, आप दोनों आप अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको इनके अलावा भी आपके पास कुछ है तो वो भी आप अपने इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके कुछ डाउट है क्वारीज वीडियो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समय में आया होगा, यदि आपको अच्छा लगे समय आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और इसी प्रकार के हम नेक्स्ट इसके कंट्रोल सिस्टम वीडियोस पब्लिश करने वाले हैं चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए उनके नोटिफिकेशन लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अशोक यूट्यूब जो चैनल हमारा है उसको सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का एक नोटिफिकेशन रहता है उसको बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो की मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।